नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। झारखंड के धनबाद जिले अंतर्गत मैथन स्थित स्टेशन क्लब में 3 दिवसीय ईस्टर्न इंडिया पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2021 की शुरुआत शुक्रवार को हुई, जिसका शुभ उद्घाटन मुख्य अतिथि स्वरूप उपस्थित डीवीसी प्रभारी परियोजना प्रधान बीबी दास ने दीप प्रज्वलित एवं पावर लिफ्टिंग करके। मौके पर उपस्थित ईस्टर्न जोन पावर लिफ्टिंग के ऑब्जर्वर देवी प्रसाद चटर्जी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 8 राज्यों के कुल 200 पावर लिफ्टर महिला एवं पुरुष अपनी ताकत को मैथन में आजमाएंगे, जिनमें बेहतर करने वालों को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा और नेशनल पावर लिफ्टिंग के लिए चयनित भी होंगे। इस मौके पर मौजूद झारखंड पावर लिफ्टिंग के सचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर खिलाड़ी इंद्रजीत ने कहा कि पावर लिफ्टिंग के माध्यम से धनबाद जिले के युवाओं को पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता से जोड़ने का मकसद है। इससे शरीर में स्फूर्ति के साथ शारीरिक व बौद्धिक विकास होता है। आज सेना से लेकर रेलवे एवं हर क्षेत्र में पावर लिफ्टर की जरूरत है। इससे युवा वर्ग जुड़कर अपनी मुकाम पा सकते हैं। प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, आसाम राज्यों के करीब 200 पावर लिफ्टर महिला पुरुष भाग आजमा रहे हैं। 3 दिनों तक मैथन में अपनी ताकत आजमाएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन मैथन फिट एंड स्लिम जिम द्वारा किया गया है, जिसका संचालन माधव एवं माधवी विलोचन है। मौके पर प्रेसिडेंट आसिफ रहीम, वाइस प्रेसिडेंट साहिल रजा, सेक्रेटरी सजल पावल, ट्रेजर गीता गिरी, पैट्रॉन मोहम्मद जैन उपस्थित हैं। बहुत अच्छा स्कोप है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आज के डेट में लड़कों को नौकरियां, खिलाड़ियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन पावर लिफ्टिंग में अभी पोस्टल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे, हर डिपार्टमेंट में सर्विस मिल रही है। हर डिपार्टमेंट में अभी देखिए वैकेंसी निकली हुई है। तो लड़के जितने भी प्रैक्टिस करेंगे, नेशनल लेवल तक जाएंगे, वहाँ मेडल जीतेंगे, तो उनको नौकरी आराम से, अगर नेशनल में मेडल जीतते हैं तो नौकरी मिलने की पूरी संभावना है उनकी। और उसके बाद हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा अभी प्रचलन क्या है, जो लड़का आज जिम करना शुरू करता है, कल वो कोई ना कोई ड्रग्स खाना शुरू कर देता है, कोई ना कोई सप्लीमेंट खाना शुरू करता है। इतना ज़्यादा प्रचार है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे लड़कों को ड्रग्स फ्री गेम हो, कोई भी लड़का किसी तरह की दवाई नहीं खाए, शक्तिवर्धक कुछ ऐसा नहीं, मतलब ऐसा विटामिन की कैप्सूल खा सकते हैं, प्रोटीन पाउडर खा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं। अच्छा खाना खाइए, लेकिन जो बैन ड्रग्स हैं उसको आपको नहीं लेना है। राज्य सरकार का खेल के प्रति कितना रुझान आपको लगता है, जो जितना मदद मिलना चाहिए सरकार से वो मिल रहा है? झारखंड सरकार अभी बहुत ज़्यादा, अभी 2-3 स्कीम नया चला है। अभी कल ही एक सहाय स्कीम हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने लॉन्च की है, जिसके तहत जितने भी नक्सलाइट एरिया है उसमें सिर्फ खेल का प्रचार होगा उस सहाय स्कीम में। और उसके अलावा भी सरकार काफ़ी पैसा दे रही है। अभी मुख्यमंत्री का जो फुटबॉल हो रहा है, हर जिले हर गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, काफ़ी कोशिश की जा रही है हेमंत सोरेन जी की तरफ से कि खेल में। और आपने देखा भी होगा कि इस बार ओलंपिक में भी हमारे हॉकी में भी हमारी टीम में लड़कियां थी झारखंड की, और उसके अलावा एथलेटिक्स में, बॉक्सिंग में, हर जगह हमारे लड़के अच्छा कर रहे हैं। और पावर लिफ्टिंग में स्पेशली इस बार अभी थोड़े दिन पहले भी योगा में, गोवा में सॉरी कंपटीशन हुआ, हम लोगों ने 6 गोल्ड मेडल जीते उसमें, और हमारे 3 लोगों का सिलेक्शन एशियन चैम्पियनशिप के लिए हो चुका है। तो इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम जितनी अच्छी से अच्छा हो। अभी मार्च में हमारा ऑल इंडिया कंपटीशन केरला में होने वाला, उसके लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं अभी से, हमारे लड़के और लड़कियाँ अच्छा करें। धन्यवाद जी। मैं तो इस लाइन में 6 साल से हूँ, 6 साल से बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ। इंस्पिरेशन मुझे जहाँ मैं जिम जाती थी, मेरे सर सोमनाथ चक्रवर्ती उनसे मिला, और साथ में मेरे जो भैया हैं खुद के, वो बॉडी बिल्डिंग में आ चुके थे, तो उनको देख के भी मैं, मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आऊँ इसमें। फिर मेरे सर देवी सर, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया कि हाँ कर सकती हो। और अभी स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड, ऐसा नहीं है कि ये लड़का का गेम है या लड़कियों का है, सब इक्वल हो चुका है। तो बॉडी बिल्डिंग में वैसे तो ज़्यादा फीमेल्स आती नहीं है, क्योंकि इसे लड़कों का गेम माना जाता है। तो बिहार झारखंड से मैं ही ऐसे फर्स्ट फीमेल बॉडी बिल्डिंग में आई हूँ,
और एशियन गेम तक खेली हूँ सिल्वर मेडल। और बॉडी बिल्डिंग जैसा गेम को चूज़ करने में खासकर फीमेल के लिए स्ट्रगल तो है, लोग क्या कहेंगे, फिर घर से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्स में या कहीं भी। तो मुझे घर से सपोर्ट मिला, मेरे भैया हैं माधव विलोचन, उन्होंने भी सपोर्ट किया यहाँ तक आने में। मेरे फ्रेंड जो हम लोग तीन ग्रुप हैं, मैं, मेरे भैया और मेरे फ्रेंड अमरजीत, तीनों साथ में ही उसमें आए और अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। तो फीमेल्स के लिए अगर कोई लड़की सोचती है कि जिम जाने से वो लड़का बन जाए या फिर ऐसा कुछ नहीं, फिटनेस के लिए आप आइए, ज़रूरी नहीं आपको स्पोर्ट्स में करियर ही बनाना है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कोरोना में भी देखें जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी या जो फिट थे वो बचे रहे, तो उस नाते भी आप आ सकते हैं और इसमें भी करियर है, बहुत बड़ा करियर है। थैंक यू सर। ये पूर्व भारतीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता है और 8 राज्यों से असम, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी जो है इसमें भाग लिया है। कुल 200 पुरुष एवं महिला खिलाड़ी जो है इसमें अपना एंट्री दर्ज करवाया है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय रेफरीज, राष्ट्रीय रेफरीज यहां पर आए हैं अपना निर्णय देने के लिए। इसके भी अलावे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मेडल होल्डर जो कि कॉमनवेल्थ भी खेल चुका है वैसे प्लेयर भी यहां आने की सूचना है। जोसेफ सर आने वाले थे, चूंकि इंडिया टीम के सिलेक्शन हो रहा है इसलिए सर नहीं आ पाए। बाकी मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे आप लोग उसका जो है सामने में ही थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 3 दिन तक ये कंपटीशन चलेगा, ईस्टर्न इंडिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, साथ में स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप चलेगा, साथ में डिस्ट्रिक्ट बेंच प्रेस चैंपियनशिप चलेगा और साथ में स्ट्रांग मैन लीग चलेगा। ये विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी लोग आएंगे और इसमें भाग लेंगे। पूरा कमेटी जो है तक। सर आज का युवा वर्ग नशे के तरफ ढकलाया जा रहा है, नशा युवा वर्ग को खाने की कोशिश कर रहा है। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, मेन फिजिक, फिटनेस, ये सारे जिम से रिलेटेड है, व्यायामशाला से रिलेटेड है, शरीर चर्चा से रिलेटेड है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जितने भी नशेली पदार्थ को सेवन करके नशे के तरफ युवा वर्ग ढकलाया जा रहा है, कुछ नहीं, कुछ दिन के लिए उसे जिम में डाल दीजिए और कुछ दिन उसको ये हैबिट करवा दीजिए कि आपको रोज शाम को सुबह जिम आना है। मेरा ये उम्मीद है कि हर एक तरह का नशा छूट जाएगा। सो मैं यही कहना चाहूंगा युवा वर्ग को कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जिम आए, फिट रखिए, अपना इम्यूनिटी बढ़ाए। अभी तो हम लोग को इम्यूनिटी बढ़ाना ही है। जो आप लोग एक चीज देखे होंगे 2020 में जो हम लोग महामारी से लड़े उसमें कितना जिम का सदस्य, कितना जिम करने वाला का मृत्यु हुआ। सो दैट मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोग आए, जिम ज्वाइन करें। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग करना जरूरी नहीं है, जरूरी है अपने आप को फिट रखना। धन्यवाद।